हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। स्टेचरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईपीएफ मंथली पेंशन स्कीम्स, जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 है, उसके कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, जो आप मंथली पेंशन इसे ले सकते हो। तो इसमें पूरा हम पेंशन के अबाउट बात करेंगे कि हम कैसे अप्लाई करें, कौन अप्लाई कर सकता है और ये कहाँ पर जाके हमें अप्लाई करना है, और साथ में अगर अप्लाई करने के बाद में कितने दिन में सेटलमेंट होगा और कितनी पेंशन लगती है, तो आपको वो जो भी डिटेल्स है पेंशन के बारे में पूरा इस वीडियो में मिलेगा। तो सर, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा पेंशन के प्रोसेस और पूरा आपके बैंक अकाउंट तक लेके आपको आपके अकाउंट में मंथली पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको मिलता है लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन वीडियो। चलिए दोस्तों, थोड़ा हम ईपीएस के बारे में बात कर लेते हैं। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम्स जो 1995 में अप्लीकेबल हुई थी, तो उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि आप एक पीएफ मेंबर है, आपको इतना नहीं पता होगा, क्योंकि आपको सिर्फ ईपीएफ का पता है, लेकिन पेंशन जो हमारा बेनिफिट होता है, जो हमारे मंथली कटता है। तो ईपीएफ पेंशन, जिसे तकनीकी रूप से कर्मचारी पेंशन योजना के रूप से जाना जाता है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का प्रावधान करती है। हालांकि योजना का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब कर्मचारी से कम 10 वर्षों तक सेवा प्रदान की हो। और ईपीएस को 1995 में लॉन्च किया गया था और मौजूदा और नए ईपीएफ सदस्यों को इस योजना में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। दोस्तों, जो ये स्कीम थी, तो हमारी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम्स 1995 में अप्लीकेबल हुई थी। इसमें अगर इसके बाद में अगर आपने कोई भी मेम्बर अगर कंटिन्यू अपना जो ईपीएस में 9 साल 6 महीने से अगर वो कंटिन्यू उसका कंट्रीब्यूशन जमा आ रहा है पेंशन में, ईपीएस कंट्रीब्यूशन, तो आपको देखोगे आपके पास आपकी पासबुक चेक करते हैं, उसमें 3 नोट होते हैं, एम्प्लॉय पार्ट, ईआर जो एम्प्लॉयर पार्ट होता है, फिर पेंशन जो 1250 रुपये मैक्सिमम होते हैं, अगर आपके वो कट रहे हैं तो मतलब आप एक पेंशन मेंबर हो। लेकिन जो अभी अगर किसी का ऑलरेडी जो फर्स्ट टाइम मेंबर बन रहे हैं और उसकी बेसिक सैलरी अगर 15,000 से ऊपर है, तो वो पेंशन मेंबर नहीं बनते। अगर आपके जो पासबुक है उसमें 1250 रुपये या उससे कम जो पेंशन एम्प्लॉय पेंशन में आपको दिख रहे हैं, तो उस केस में आप पेंशन के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। तो आपने 10 साल काम किया, आपके पेंशन अप्लीकेबल हो गई, तो उस केस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, आप पेंशन कब ले सकते हैं। सबसे पहला कि आप ईपीएफ मेंबर होना चाहिए, ईपीएफ हो मतलब पीएफ भी और पेंशन मेंबर भी दोनों होना चाहिए। फिर सेकंड है कि उसका 10 साल कंप्लीट होनी चाहिए। फिर थर्ड ऑप्शन है कि ही हैज रीच्ड द एज ऑफ 58, तो 58 साल के होते ही वो आप अपनी पेंशन अप्लीकेबल करवा सकते हैं। तो 58 साल की आपकी एज होनी चाहिए, लेकिन उसमें कंडीशन है कि आप जो ईपीएस है, जो मंथली पेंशन है, वो आप रिड्यूस करके आप 50 साल से ही अपनी पेंशन लागू करवा सकते हैं। तो और अगर आप ही कैन आल्सो डिफर द हिज पेंशन फॉर 2 ईयर्स अप टू 60 ईयर ऑफ एज आफ्टर विच ही विल गेट द पेंशन एक्ट, तो आप इसको डिफर भी कर सकते हैं। तो उसे इसमें कंडीशन, अगर आप 58 साल पर लेते हो तो आपका पेंशन है वो जो एक्चुअल में जो कैलकुलेशन बनती है उसमें आपको पूरी मिलेगी, लेकिन आपके अगर आप 58 साल से पहले लेते हैं तो आपके हर साल का 4% कम हो जाएगा। जैसे अगर आपने 56 पे अप्लाई किया तो आपका 8% हो जाएगा, अगर आपने 55 पे किया तो 12%, वैसे ही अगर आप 60 साल के एज से अपनी पेंशन अप्लीकेबल करवाते हो तो वो आपकी जो पेंशन बनती है उसका 8% आपका एक्स्ट्रा मिलेगा 2 साल तक का। तो 4% ईच ईयर का अभी तुमने बोला, तो उस केसेस में आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये कंडीशन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कॉमेंट करके जरूर बताइए, अदरवाइज आप हमें मेल पर भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप इसे कैसे अप्लाई करें, क्या क्या प्रोसेस हो सकती है। तो सर, इसकी 2 प्रोसेस है। अगर आप फर्स्ट है ऑनलाइन जो पीएफ मेंबर पोर्टल पे आप कर सकते हो, इसके लिए आपको नॉमिनेशन मैंडेटरी होता है, आपकी केवाईसी अपडेट होनी चाहिए, आधार, बैंक, पैन, तो ये 3 KYC मैंडेटरी है और साथ में आपका नॉमिनेशन भी अपडेट होना है। दोस्तों, अगर आपने KYC नहीं अपडेट की तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर नॉमिनेशन ने भी अपडेट नहीं किया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ऑनलाइन हम क्लेम करेंगे फॉर्म 10D, उसके बिना आप क्लेम ही प्रोसेस नहीं कर पाओगे, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जल्दी जाके अपना नॉमिनेशन अपडेट कीजिए। अगर कोई पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है और वो भी नॉमिनेशन अपडेट नहीं है, तो वो नॉमिनेशन अपडेट जरूर कीजिए। आपने ये चीज़ें आपका फर्स्ट आपकी होनी चाहिए। सेकेंड है कि आप ऑफलाइन भी प्रोसेस कर सकते हो। जैसे अगर क्या कंडीशन होती है, इसमें 2 टाइप की कंडीशन होती है। अगर एम्प्लॉय वो 58 साल का हो गया और अभी वो वर्किंग कर रहा है लेकिन वो पेंशन के लिए एलिजिबल होता है, तो उस केस में आपको ईपीएस में एग्जिट
हो जाएगी, आपके एम्प्लॉयर आपको विजिट कर देगा और आप मंथली पेंशन फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करके अपनी मंथली पेंशन लागू करा सकते हैं चाहे आप वर्किंग हो, लेकिन आपका वो VPS में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं जाना चाहिए। तो सबमिट टू फॉर्म 10D फॉर्म इन कंसर्न PF ऑफिस, तो इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सारे। तो इस वीडियो में हम सिंपल डिस्कस करेंगे कि आप ऑनलाइन अपना कैसे अप्लाई करें, पूरा A to Z प्रोसेस इस वीडियो में रहने वाला है। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट जरूर बताइए कि इससे आपको क्या क्या सीखने को मिला और कितनों को हेल्प हुई। तो दोस्तों इसके बाद में हमें जाना है हमारे जो EPFO का मेंबर पोर्टल है उस पर जाना है, जो लिंक है मेंबर पोर्टल की वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो लिंक आप अपने जो यून एक्टिवेट आपने ऑलरेडी कट रखा हो कि आपको इतने साल सर्विस हो गई, तो आपको यहाँ पे यून नंबर और पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करके कैप्चर करके साइन इन पे कर देना। फिर आपको जाना है ऑनलाइन सर्विसेज में, ऑनलाइन सर्विसेज में जाके फिर आपको जाना है ऑनलाइन क्लेम फॉर्म 31-19-10C-10D पे आपको चले जाना है। तो वहाँ पे जाके आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा आपका बैंक अकाउंट नंबर आपको सबसे फर्स्ट आपसे पूछेगा, तो आपको यहाँ पे अपने जो बैंक अकाउंट है वो आपको यहाँ पे अपने एंटर कर देने। फिर आपको क्लिक करना है वेरीफाई पे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे दिखाएगा कि प्रोसेस ऑनलाइन क्लेम, तो इस पर आपको प्रोसेस ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको पूछेगा आई वांट टू अप्लाई। तो दोस्तों इसमें कंडीशन क्या है पहले मैं आपको बता दूँगा, आपकी जो एग्जिट डेट है वो अपडेट होनी चाहिए, EPS में EPF में दोनों में एग्जिट डेट अपडेट होना मैंडेटरी। तो वह तो आप जब अप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर आपकी एग्जिट डेट अपडेट नहीं होगी तो ये आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं PF एडवांस मंथली पेंशन ओनली, सिर्फ अगर एग्जिट अपडेट नहीं है तो एडवांस का शो होगा, अगर एग्जिट डेट अपडेट हो गई है तो आपके जितने भी ये ऑप्शंस हैं तो आपको यहाँ पे सभी शो होने वाले हैं, जो फॉर्म 19-10C-10C स्कीम सर्टिफिकेट और 10D। तो यहाँ पे हमें कौन सा सेलेक्ट करना है, फॉर्म 10D फॉर मंथली पेंशन के लिए ये सिलेक्ट कर लिया। फिर आता टाइप ऑफ पेंशन क्लेम, तो सुपर नेशन हो गई क्योंकि रिटायरमेंट अभी इसमें एज अभी 58 नहीं, तो सुपर नेशन आप डाल सकते हैं। फिर रिड्यूस पेंशन, हाँ यस, क्योंकि जो पेंशन है वो 56 साल पे ही अप्लाई कर रहा हूँ, 58 साल अभी हुई नहीं तो 56 साल पे ही उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, वो अभी कोई काम नहीं कर रहे तो 56 साल पे अप्लाई कर दिया। तो रिड्यूस पेंशन कर रहे हैं तो इसमें नो कर देना, लेकिन मैं अगर नहीं करना चाहते तो नो कर देना, लेकिन मैं यस कर रहा हूँ। तो जो ओपन डेट है वो 1 अगस्त, क्योंकि दोस्तों जो जॉब छोड़ी थी उसकी 31 जुलाई 2021 लास्ट डेट था, जो अब पेंशन अप्लीकेबल होने वाली है वो 1 अगस्त 2021 से अप्लीकेबल होने वाली है। फिर आपको भी नेक्स्ट, फिर नीचे आपको जाना है, यहाँ पे दिख रहा है आपका ओपन डेट आ गया। फिर आता डिटेल ऑफ स्कीम सर्टिफिकेट इवन, अगर आपके पास स्कीम सर्टिफिकेट ऑलरेडी आपने कहीं काम किया स्कीम सर्टिफिकेट है, जैसे आपने 9 साल 6 महीने काम कर लिया और आपने स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई करके अपने पास रख लिया, आप 58 साल के होते हैं तब ये आप अप्लाई करते हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे स्कीम सर्टिफिकेट अपना अपलोड कर देना, अदरवाइज नहीं है तो आपको इसको कुछ भी चेंजेस छेड़ना ही नहीं, मतलब इसको टच ही मत करो। फिर नेक्स्ट आता है एम्प्लॉई एड्रेस, तो ये एड्रेस है दोस्तों आपका परमानेंट एड्रेस, जहाँ भी आप रह रहे हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर कर देना, जो अभी अपने गांव का है या जहाँ भी आप अभी करंटली वर्किंग रह रहे हैं तो वहाँ पे आपको यहाँ पे एड्रेस एंटर कर देना। तो यहाँ पे आपका रूम नंबर, ऑफिस नंबर या जो भी आपका हाउस नंबर है एंटर कर देना। फिर आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, फिर स्टेट में फिर आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, फिर पिन कोड डाल देना है, फिर आपका बैंक डिटेल्स। तो दोस्तों बैंक डिटेल है वो आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपकी पेंशन है वो इसी बैंक अकाउंट में आने वाली है, और जो KYC और जो बैंक अकाउंट में डाल रहे हो वो सेम रखे तो अच्छा। तो मैंने जो आपको पता है कि जो पेंशन के लिए लिमिटेड बैंक जो सरकारी बैंक होते हैं SBI PNB हो गए केनरा बैंक हो गए, जो आप इनमें अपडेट कर सकते हैं, तो आपको बेस्ट ऑप्शन है कि आप SBI अपडेट कीजिए, क्योंकि SBI बैंक में क्या होता है कि आपको ना तो एम्प्लॉयर की KYC का अप्रूवल जरूरत होती है, वो डायरेक्ट अप्रूव होती है और विद इन 2 दिन के अंदर आपकी KYC अप्रूव ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो यहाँ पे आपको बैंक डिटेल डाल लेना, फिर आपका बैंक अकाउंट नंबर, फिर IFC कोड। दोस्तों ये जो अकाउंट नंबर है ये करेक्ट आपको डालना है, तो ये ऑटोमेटिक आपका नाम ऑफ द बैंक ब्रांच स्टेट ऑटोमेटिक, अगर आप IFC कोड डालते ही आपका ऑटोमेटिक उठा लेगा। फिर आपको यहाँ पे करना है अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक पासबुक। तो दोस्तों ये तो आप हर कलम आप कोई भी अप्लाई करते हो तो उसमें आपको डालते हो, तो आपको जो स्कैन कॉपी आप अपनी रखते हो उसमें आपका अकाउंट नंबर, IFC कोड, आपका नाम वो क्लियर होना चाहिए और साथ में आपकी बैंक की स्टंप भी होना मैंडेटरी। नहीं, अगर आपका ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी, बैंक की स्टंप नहीं होगी, तो वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि उन्हें वेरीफाई करने के लिए एक वैलिड पासबुक है तो उसमें बैंक का साइन और स्टंप होता है जो वहाँ का मैनेजर होता है। तो यहाँ पे आपके जो 500 KB से आपकी नीचे की आपकी पासबुक होनी चाहिए JPG में, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर आपको यहाँ पे जाना है
अपना जो डिक्लेरेशन है वो एक्सेप्ट कर लेना। डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करने के बाद में जाना आपको गेट आधार ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना। गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे आपका जो ओटीपी आया है वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर आपको करना है वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जो मैंने फॉर्म अप्लाई किया था 16 फेब 2022 को अप्लाई किया था, आपको स्क्रीन पे भी टाइम दिखा रहा है। तो अब कितने दिन में क्लेम सेटलमेंट होगा, क्या प्रोसेस है, तो वो ही इस आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जो ऑनलाइन क्लेम है ये हमारा अप्लाई हो चुका है। तो अप्लाई होते ही कितने दिन के बाद में सेटलमेंट करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो अभी लेटेस्ट पीछे नोटिफिकेशन आया था, तो मैंने इस पर वीडियो बनाया था कि वो एक दिन के अंदर आपका पीपीओ नंबर जनरेट कर रहे हैं, ये रियल है या कुछ है, तो अभी इसी वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इसका स्टेटस पता करें, कहाँ हम अपना चेक करें कि मेरी पेंशन अप्लीकेबल हुई नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है 11 मिनट का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी वीडियो को कंटिन्यू लेके हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ हम अपने क्लेम स्टेटस चेक करें और कहाँ जाके अपनी पेंशन के बारे में पता करें कि मेरी कितनी पेंशन लगी है, मेरा पीपीओ नंबर क्या है, तो पूरा नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो पेंशन पार्ट है वो 2 में। थैंक यू।